हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद रमेश यादव सर। सो प्यारे बच्चों, इन प्रीवियस लेक्चर वी डिस्कस अबाउट डायमेंशनल एनालिसिस। इन डायमेंशनल एनालिसिस वी डिस्कस अबाउट डायमेंशनल फॉर्मूला। सो प्यारे बच्चों, डायमेंशनल फॉर्मूला हम कर चुके हैं और आज हम डायमेंशनल फॉर्मूला के एप्लीकेशन के बारे में बातें करेंगे। सो उससे पहले एक बार सभी डायमेंशन फॉर्मूला जो आपने बेसिक मेथड से सोल्व किए थे, उन सभी डायमेंशनल फॉर्मूला को हम अब डायरेक्ट लेके चलते हैं विदाउट बेसिक मेथड। क्लियर? सो आपको ये सब रिमाइंड अच्छे से रखने हैं। सबसे पहले आप उसको बेसिक मेथड से करेंगे, फिर उसको आप डायरेक्ट कर सकते हैं। क्लियर प्यारे बच्चों? सो देखिए बेटे, डायमेंशनल फॉर्मूला की अगर हम बात करें तो फर्स्ट अपने पास था एरिया। बेटे एरिया का डायमेंशन फॉर्मूला की अगर हम बात करें तो आप ये कह सकते हैं एम एल टी। एरिया का अपने पास था एम जीरो एल टू टी जीरो। क्लियर? सेकेंड वाला आपके पास वॉल्यूम। बेटे वॉल्यूम का डीएफ था एम जीरो एल थ्री टी जीरो। नंबर थ्री डेंसिटी। बेटे डेंसिटी का डीएफ क्या था? एम वन एल माइनस थ्री टी जीरो। स्पीड और वेलोसिटी, दोनों के डीएफ सेम थे। भाई दोनों थ्योरेटिकली अलग कंसेप्ट है, बट डायमेंशन दोनों के फॉर्मूले क्या है? सेम। इसका क्या था? एम जीरो एल वन टी माइनस वन। नंबर फाइव एक्सेलरेशन। बेटे एक्सेलरेशन का डीएफ क्या था? एम जीरो एल वन टी माइनस टू। ठीक है? नंबर सिक्स लीनियर मोमेंटम। बेटे लीनियर मोमेंटम का क्या था? एम वन एल वन टी माइनस वन। ठीक है? उसके बाद हमने बात की थी फोर्स और टेंशन। बेटे फोर्स अपॉन टेंशन नहीं, फोर्स और टेंशन है। ठीक है? फोर्स और टेंशन एक ही बात होती है, जो कि बेस से आपका कंप्लीट डायमेंशन फॉर्मूले का एम वन एल वन टी माइनस टू होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है? नंबर एट में हम बात करते हैं सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन, सो प्यारे बच्चों सरफेस टेंशन अपना क्या था? फोर्स बाय लेंथ। फोर्स आपको गिवन है, लेंथ से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? एम वन एल जीरो टी माइनस टू। ठीक है? नाइन वर्क और एनर्जी। बेटे वर्क और एनर्जी एक ही बात है। वर्क कब होगा? जब आप फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स एग्जर्ट करेंगे, उस फोर्स से ऑब्जेक्ट क्या होगा? डिस्प्लेस। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट मीन्स एम वन एल टू हो जाएगा और टी माइनस टू। ठीक है? नंबर टेन पे अब बात करते हैं पावर। भाई पावर की हम बात करें तो हम कह सकते हैं द रेट ऑफ डूइंग वर्क, किस रेट से काम हो रहा है। ठीक है? यानी कि वर्क को आप इसे डिवाइड कर दो टाइम से। तो बेटे ये क्या बनेगा? एम वन एल टू टी माइनस थ्री। ठीक है? नंबर इलेवन आप बात कर सकते हैं प्रेशर और स्ट्रेस की। देखो प्रेशर और स्ट्रेस दोनों ही क्या होते हैं? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया आप करेंगे तो आपको मिलेगा एम वन एल माइनस वन टी माइनस टू। ठीक है प्यारे बच्चों? नेक्स्ट बात करते हैं ट्वेल्व पे। हम इसके बाद बात करते हैं इम्पल्स की। इम्पल्स बेटे इम्पल्स का सिंबल होता है जे। देखो ये फोर्स है जो कि बेस है अपना। फोर्स अपना बेस, सबसे इंपोर्टेंट क्या है? फोर्स है। बेटे फोर्स को अगर आप टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बनेगा? इम्पल्स। सो आप ये कह सकते हैं एम वन एल वन टी माइनस वन इज द डी एफ फोर इम्पल्स। क्लियर? नेक्स्ट थर्टीन एंगल। बेटे एंगल और स्ट्रेन तो ऐसे फिजिकल वेरिएबल हैं जो ऐसे फिजिकल क्वांटिटी तो वेरिएबल तो है पर डायमेंशंस नहीं है। सो एंगल आपका क्या होगा? एम जीरो एल जीरो टी जीरो।
मीन्स डायमेंशन लेस होगा, ठीक है। 14 स्ट्रेन, वही स्ट्रेन भी आपका क्या होगा, डायमेंशन लेस, M0, L0, T0, ठीक है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट हम बात करते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बेटे इसका सिंबल होता है E। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मैथमेटिकल क्या था, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। सो प्यारे बच्चों स्ट्रेस का आपने निकाला फोर्स बाय एरिया, M1, L-1, T-2 हो जाएगा, ठीक है। 16 पे हम बात करते हैं कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी, बेटे इसका सिंबल क्या था, ईटा। कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी क्या था, ईटा। इसका फॉर्मूला अपने पास क्या बना था भाई, M1 L-1 T-1, ठीक है, FR/AV, ये इसका अपने पास फॉर्मूला यहां से बना था, ठीक है। बेटे नेक्स्ट अपने पास 17 पे ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, कैपिटल जी। देखो भाई ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट क्या था, उसका अपने पास बना था M-1 L-3 T-2, ठीक है प्यारे बच्चों। 18 पे प्लैंक्स कॉन्स्टेंट जो कि था एनर्जी इंटू टाइम या एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। सिंबल इसका क्या था बच्चे, H, ठीक है। सो प्लैंक्स कॉन्स्टेंट की हम बात करें M1 L2 T-1 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एनर्जी का आपके पास देखो ये क्या है, M1 L2 T-2 इंटू टाइम करेंगे तो एक वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। 19 पे वेवलेंथ, बेटे सिंबल क्या होता है, लैम्डा, इसका डीएफ क्या बनेगा, M0 L1 T0, ठीक है। 20 पे अपने पास है फ्रीक्वेंसी, बेटे फ्रीक्वेंसी का सिंबल क्या होता है, न्यू, ठीक है। सो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, 1/2 टाइम पीरियड, M0 L0 T-1। सो प्यारे बच्चों अभी तक आपको ये 20 फॉर्मूला अच्छे से माइंड में रखने हैं जो कि आपके न्यूमेरिकल्स में काम आएंगे, इसके बाद हम वही करते हैं, ठीक है। तो एक बार सारे डायमेंशनल फॉर्मूले को बेसिक मेथड से करने के बाद अब आप उन सभी डायमेंशन को डायरेक्ट यूज करेंगे, ठीक है। पर बेसिक मेथड बेटे इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप इनको डायरेक्टली जब याद करेंगे तो आप भूल सकते हैं। अगर आपको बेसिक क्लियर है तो आप अगर भूल भी जाते हैं तो आप डेफिनेटली उसको 5 सेकंड एक्स्ट्रा लगा के सोल्व कर पाएंगे, ठीक है। सो प्यारे बच्चों मैं आपको फिर कह रहा हूं कि आपको करना बेसिक मेथड से ही है, ठीक है। सो एक बार अच्छे से इनको ऑब्जर्व कर लो, बच्चे आप इसको रख कर लेते हैं, ठीक है। प्यारे बच्चों सोचने वाली बात यह है कि आपने जो डायमेंशन फॉर्मूले हैं, डायमेंशनल एनालिसिस आप क्यों स्टडी कर रहे हैं, कहां पे हमें इनका रिक्वायरमेंट पड़ा, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या जरूरत हमें इनकी पड़ी, ठीक है। उसके लिए हम बात करें तो बेटे जो डायमेंशनल एनालिसिस है ना, जो भी आपने डायमेंशन फॉर्मूले बनाए हैं इनके यूजेस क्या है, एप्लीकेशंस क्या है, ठीक है, उसके बात करते हैं। सो अपना नेक्स्ट टॉपिक बनेगा एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। भाई जो अपना डायमेंशनल एनालिसिस है, जो भी आपने डायमेंशंस फॉर्मूले बनाए हैं उन सभी का यूज क्या क्या है, ठीक है। सो बच्चे बेसिकली हम बात करें तो फर्स्ट अपना जो यूज होगा वो अपना होगा टू चेक
टू चेक द करेक्टनेस और कंसिस्टेंसी ऑफ ए गिवन फॉर्मूला. देखो इसका मतलब क्या है, मीनिंग क्या है इसका. ये कह रहा आपके पास कोई एक फॉर्मूला है. देखो टेंथ में आप करते थे, मैथमेटिक्स में आपने किया है, आपके पास ट्रिग्नोमेट्री में देखा था लेफ्ट साइड राइट साइड आपको गिवन है और आपको प्रूव करना होता था. आप LHS लेते थे या RHS लेके चलते थे और राइट LHS लिया RHS प्रूव हो गया, RHS लिया LHS प्रूव हो गया. तो सिमिलर कंडीशन यहाँ पे है बेटे, आपके पास कुछ फिजिकल वेरिएबल फिजिकल कॉन्स्टेंट आपको गिवन होंगे, ठीक है, कुछ फिजिकल क्वांटिटी गिवन होंगे और उन फिजिकल क्वांटिटी को डायमेंशनल फॉर्मूले के हेल्प से आपको प्रूव करना है कि वो जो इक्वेशन आपके पास है, जो डायमेंशनल इक्वेशन आपके पास गिवन है वो राइट है या रॉन्ग है, उसको आप प्रूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है. सो फर्स्ट अपना ये हो गया टू चेक द करेक्टनेस और कंसिस्टेंसी ऑफ ए गिवन फॉर्मूला. इसके भी बात करेंगे डीपली कि आपके पास एक फॉर्मूला गिवन है, वो फॉर्मूला आपका सही है या गलत है उसको आप डायमेंशनल फॉर्मूला की हेल्प से शो करेंगे. क्लियर. सेकंड आपका बनेगा टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अदर सिस्टम ऑफ यूनिट. इसका मीनिंग ये हो गया कि आपके पास कोई सिस्टम दे रखा है, अब एक सिस्टम से आपको दूसरे सिस्टम में जाना है, किसके हेल्प से जाएंगे विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला. कैसे, जैसे मान लो आपको मैंने कहा, एग्जांपल मैंने आपको दिया कन्वर्ट ए फोर्स ऑफ वन न्यूटन इनटू डायन. बेटे यहां पे देखो दो वर्ड आपको दिखाई दे रहे हैं, एक आपको दिखाई दे रहा है न्यूटन, दूसरा आपको दिखाई दे रहा है डायन. अब जैसा कि आप जानते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट में हमने स्टडी किया था, बेसिकली वी हैव थ्री सिस्टम ऑफ यूनिट FPS MKS CGS, बट FPS अपना ज्यादा ड्रॉबैक है उसके हमने उसको छोड़ दिया. हमने कहा किसको किया, CGS और MKS को, MKS को मॉडिफाई करके हमने क्या बनाया SI. तो बेटे न्यूटन इज द SI यूनिट मीन्स MKS सिस्टम एंड डायन इज द CGS यूनिट ऑफ फोर्स. क्लियर. इट मीन्स आपको न्यूटन, आपको एस आई यूनिट से किसमें जाना है, आपको एस आई यूनिट से किसमें जाना है सीजीएस में, किसके हेल्प से जाना है डायमेंशनल फॉर्मूला के हेल्प से. क्लियर. तो प्यारे बच्चों नंबर थ्री के तहत हम बात करें, नंबर थ्री अपना होगा डेरिवेशन ऑफ ए गिवन फॉर्मूला. अब बेटे देखो डेरिवेशन ऑफ ए गिवन फॉर्मूला क्या है, जैसे कि आपने देखा फर्स्ट में आप बात करें कि आपको लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों प्रूव करने हैं सही है या गलत है, ये आपको बताना है, किसकी हेल्प से बताना है भाई विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला. अब मान लीजिए आपने एक फॉर्मूला बनाया, फॉर्मूले को आपने चेक किया विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है. अब वो आपका फॉर्मूला जो इक्वेशन आपके पास गिवन है वो रॉन्ग है, तो उस इक्वेशन को आप राइट किसके हेल्प से कर पाएंगे, डेरिवेशन ऑफ ए गिवन फॉर्मूला. जब आप उस इक्वेशन को राइट करेंगे उसके जो भी टर्म आप यूज करेंगे वो अपना क्या बन जाएगा, डेरिवेशन ऑफ ए गिवन फॉर्मूला. और करेक्शन भी आप किसके हेल्प से करेंगे, सो प्यारे बच्चों करेक्शन भी आप विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला ही करेंगे, ठीक है. सो बेसिकली अपने पास थ्री एप्लीकेशन है और इन तीनों के बारे में अब डीपी हम स्टडी करेंगे क्योंकि न्यूमेरिकल अपने इन पे ही बनेंगे, ठीक है. सो प्यारे बच्चों सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट अपना, टू चेक द करेक्टनेस और कंसिस्टेंसी ऑफ ए गिवन फॉर्मूला. सो इन पे आप डायरेक्टली न्यूमेरिकल स्टार्ट होते हैं और आपको अब बिल्कुल 100% अपना कंसंट्रेशन देना है. क्लियर. और बेटे एक बात बता देते हैं, न्यूमेरिकल्स में जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही बेनिफिशियल रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है. न्यूमेरिकल का बस एक ही शॉर्टकट है कि आप प्रैक्टिस जितनी करोगे न्यूमेरिकल इजीली आपके होते चले जाएंगे. और सेकेंडली न्यूमेरिकल में हमेशा कंसेप्ट को समझिए, रटने की कोशिश मत कीजिए क्योंकि किसी भी कॉम्पिटिशन में न्यूमेरिकल्स सेम नहीं आते हैं. फिजिक्स की बात कर रहा हूं मैं, फिजिक्स सब्जेक्ट कभी भी रिपीट नहीं करता है लैंग्वेज को,
हमेशा आपको क्वेश्चन डिफरेंट वे में मिलेगा बट कंसेप्ट कॉन्स्टेंट रहेगा, वहां पे कंसेप्ट हमेशा सेम रहेगा। क्लियर? देखो बेटे फर्स्ट में मान लीजिए क्वेश्चन आपको क्या मिलेगा, देखो फर्स्ट में हेडलाइन बना देता हूं क्वेश्चन की, फिर उसमें पार्ट बना लेते हैं। क्वेश्चन जो आपका होगा वो होगा चेक द करेक्टनेस, चेक द करेक्टनेस ऑफ द गिवन फॉर्मूला, चेक द करेक्टनेस ऑफ द गिवन फॉर्मूला। अब आपके पास देखो फॉर्मूला फर्स्ट गिवन है, आपके पास थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन की हम बात कर लेते हैं। देखो फर्स्ट इक्वेशन आपके पास गिवन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए, ठीक है। अब बेटे आपको ये चेक करना है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये फॉर्मूला आपका राइट है या रॉन्ग है। तो प्यारे बच्चों आपने नाइन्थ क्लास में इनको स्टडी किया हुआ है कि ये जो आपका है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। अब अच्छे से आपको क्लियर है कि ये बिल्कुल सही इक्वेशन है, तो बेटे इस इक्वेशन को आपको प्रूव करना है विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला। सो इसको चेक करते हैं। सो आप लेफ्ट साइड उठाओ राइट उठाओ दोनों क्या होना चाहिए, सेम सेम है, तो फॉर्मूला करेक्ट है एनीवे रॉन्ग। क्लियर? सब इसको चेक करते हैं। सबसे पहले आपने सॉल्यूशन हम यहां पे कर लेते हैं एलएचएस। बेटे एलएचएस में क्या है बी, अब देखो बी यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी, यू यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी, ए यहाँ पे एक्सेलरेशन और टी यहाँ पे टाइम, ठीक है। ये आपको माइंड में रखना है, इनके मीनिंग आपको याद हो, ठीक है। वी है आपका वेलोसिटी, अब बेटे डायरेक्टली देखो डायरेक्टली आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, अगर आपको डायमेंशन फॉर्मूले लर्न नहीं है तो ये न्यूमेरिकल आपका यहीं स्टॉप हो जाएगा। इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट है डायमेंशनल फॉर्मूले, सबसे पहले आप डायमेंशनल फॉर्मूले को लर्न करो, उसके बाद यहां पर आप आ पाओगे। क्लियर? देखो बेटे वेलोसिटी का क्या होता है एल वन टी माइनस वन, लेफ्ट साइड यहीं पे सॉल्व हो गया। नाउ आरएचएस राइट हैंड साइड में आपके पास क्या है भाई, यू प्लस एटी, यू प्लस एटी। बेटे यू है आपका इनिशियल वेलोसिटी, ए है एक्सेलरेशन, टी क्या है टाइम। क्लियर? अब आप ये देखो वेलोसिटी चाहे इनिशियल हो चाहे फाइनल हो, ठीक है, वेलोसिटी का डीएफ हमेशा क्या रहेगा सेम रहेगा। सो आप ये कर सकते हैं यू का डीएफ क्या होगा एल वन टी माइनस वन, ठीक है, प्लस का साइन ब्रैकेट लेते हैं यहां पे, प्लस एक्सेलरेशन का डीएफ क्या था एल वन टी माइनस टू, और इनटू बेटे टी का क्या होगा टी वन। अब आप देखो एल वन टी माइनस वन प्लस एल वन माइनस के दो है प्लस का एक है, भाई बेस सेम होगा तो पावर ऐड हो जाएंगे, तो माइनस का क्या बचेगा माइनस वन बचेगा। अब प्यारे बच्चों सोचने वाली बात यहां पे एल वन टी माइनस वन, एल वन टी माइनस वन, अगर हम मैथमेटिकली बात करें मैथमेटिकली वन प्लस वन क्या होगा टू होगा, सही बात है ना। यानी आपके हिसाब से मैथ के हिसाब से यहां पे क्या आना चाहिए, यहां पे टू एल वन टी माइनस वन आना चाहिए, बट फिजिक्स ये कहता है कि जब आप किसी फिजिकल क्वांटिटी में फिजिकल क्वांटिटी ऐड करेंगे तो आंसर में क्या होगा फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि डायमेंशनल फॉर्मूला में मैथमेटिकल का कोई रोल कोई न्यूमेरिकल फैक्टर का कोई रोल नहीं है। अब ये क्वेश्चन करेंगे इस पे हम, तो बेटे आर एच एस अपना क्या हो जाएगा एल वन टी माइनस वन, देखो एल वन टी माइनस वन सेम है तो एल प्लस एल क्या होगा एल होगा, ये आपको ध्यान रखना, भी क्वेश्चन करते हैं इस पे हम, ठीक है। तो प्यारे बच्चों अब आप देख रहे हैं कि एल एच एस आपका एल वन टी माइनस वन, आर एच एस आपका एल वन टी माइनस वन, सो एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, हेंस द गिवन फॉर्मूला इज करेक्ट, या आप कह सकते हैं करेक्ट है या फिर कंसिस्टेंसी की बात है, ठीक है। अब बेटे देखो आपको थोड़ी प्रॉब्लम यहां पे आई होगी कि भाई हमने ना एल वन टी माइनस वन प्लस एल वन टी माइनस वन को टू एल वन टी माइनस वन क्यों नहीं किया, हमने एल वन टी माइनस वन क्यों किया, तो इसका रीजन मैं आपको यहां पे देता हूं, यह अपना क्वेश्चन यहां पे कंप्लीट हो चुका है। क्लियर? आप देखो यहां पे क्वेश्चन मैं अराइज करता हूं, जस्टिफाई, बेटे काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका ध्यान रखना है, ठीक है। आप इस सकते हैं क्या हमें जस्टिफाई दैट L प्लस एल इज इक्वल टू एल एंड
माइनस एल इज इक्वल टू एल। प्यारे बच्चों अगर हम मैथमेटिकल यहां पे बात करें, देखो मैथमेटिकल बेसिकली अगर हम बात करें एल प्लस एल, अगर आप एल में एल ऐड करोगे तो टू एल आना चाहिए, जब आप एल में से एल सेपरेट करोगे तो आंसर क्या आना चाहिए, जीरो। पर ये तो कह रहा है भाई एल प्लस एल भी एल होगा और एल माइनस एल भी क्या होगा, एल होगा, ऐसा क्यों? अब आंसर देखो इसका। बेटे आपको एक बात तो अच्छे से पता है, आपके पास थ्री सिंबल है मास लेंथ और टाइम के, एम एल टी, ठीक है, तीन सिंबल हो गए आपके पास। आप मास को लेंथ में ऐड कर सकते हो, नहीं कर सकते। मास को टाइम में ऐड कर सकते हो, नहीं कर सकते। लेंथ को मास में, नहीं कर सकते। लेंथ को टाइम में, नहीं कर सकते। इट मीन्स मास हमेशा मास में ऐड होगा, लेंथ हमेशा लेंथ में और टाइम हमेशा टाइम में। ये बात तो अच्छे से क्लियर है। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि जब आप किसी फिजिकल क्वांटिटी में फिजिकल क्वांटिटी ऐड करोगे तो आंसर भी क्या मिलेगा, फिजिकल क्वांटिटी। सही बात है ना, ऐसा तो नहीं है कि आपने मास में मास ऐड किया और आंसर मिल गया टाइम या आंसर मिल गया लेंथ, ऐसा हो सकता है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। सो ये कहता है जब आप फिजिकल क्वांटिटी में फिजिकल क्वांटिटी ऐड करोगे तो आंसर भी क्या होगा, फिजिकल क्वांटिटी होगा, ठीक है। सेकेंडली कहता है जब आप फिजिकल क्वांटिटी में से फिजिकल क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी आंसर क्या आएगा, फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि न्यूमेरिकल फैक्टर का यहां पे कोई रोल नहीं है, इसको आप एडवांटेज ऑफ एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट में कर चुके हैं, ठीक है। तो बेटे आंसर क्या होगा, व्हेन व्हेन सम फिजिकल, सम को सेम कर सकते हो, व्हेन सेम फिजिकल क्वांटिटी इज एडेड इन द सेम फिजिकल क्वांटिटी देन द आंसर विल बी ए फिजिकल क्वांटिटी। अब यहां पे देखो, यहां पे आपने एडेड, यहां पे आप और क्या कर सकते हो, यहां एडेड बताओ क्या कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो। देखो बेटे ये कह रहा है जब आप दो फिजिकल क्वांटिटी का सेम फिजिकल क्वांटिटी को सेम फिजिकल क्वांटिटी में या तो आप ऐड करेंगे या फिर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आपका क्या होगा, फिजिकल क्वांटिटी ही होगा। इसी वजह से प्यारे बच्चों जब आपने एल वन टी माइनस वन में एल वन टी माइनस वन ऐड किया तो आंसर क्या मिला आपको, एल वन टी माइनस वन। बात समझ आ रही, आप यहाँ पे टू का यूज नहीं करेंगे। ये क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है, अच्छे से नोट कर लो इसको, ठीक है। तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं यहां पे। अब हम सेकंड है आपके पास, अब आपने लिया आपको चेक करना है कंसिस्टेंसी, करेक्टनेस चेक करना है आपको, मिलेगा राइट है या फिर रॉन्ग है। आपने लिया एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वेयर, ठीक है। सो प्यारे बच्चों सबसे पहले आपने पिक किया एलएचएस, एलएचएस में क्या है एस, यहाँ पे एस किसको रिप्रेजेंट करते हैं बच्चे, डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्प्लेसमेंट का डीएफ क्या होगा, एल वन, क्या होगा भाई एल वन, ठीक है। ये अपना हो गया एलएचएस। अब बात करते हैं आरएचएस की, आरएचएस आपका होगा यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वेयर, ठीक है। सो बेटे यूटी की अगर आप बात करें, यू का क्या होगा एल वन टी माइनस वन, इन टू टी का क्या होगा टी प्लस का वन, यहां तक हो गया, प्लस का साइन हाफ मैथमेटिकल टर्म है, मैथमेटिकल टर्म का न्यूमेरिकल फैक्टर का कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता है। सो इसको ड्रॉप कर देंगे, ए यहां पे क्या है एक्सलेशन, एल वन टी माइनस टू,
10 टू टी टू, क्लियर। सो बच्चों माइनस ये कैंसिल आउट, ये दोनों कैंसिल आउट, सो आपके पास क्या मिला, एल वन प्लस एल वन। अभी आपने क्वेश्चन किया था एल प्लस एल आपका किसके बराबर होगा बच्चों, एल के, क्लियर। अब आप देखो एल एच एस किसके बराबर आ रहा है, आर एच एस। इट मीन्स हेंस यस सिंपली कह सकते हो गिवन फॉर्मूला इज करेक्ट, गिवन फॉर्मूला इज करेक्ट। बेटे आपने जो फॉर्मूला बनाया है वो आपको क्या बिल्कुल सही फॉर्मूला है, बात समझ आ रही है, ठीक है। जो आपने फॉर्मूला बनाया वो बिल्कुल सही है, क्लियर। थर्ड पे बात करते हैं बेटे, थर्ड आपका क्वेश्चन था बी स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए एस, ठीक है भाई। आपको प्रूव करना है बी स्क्वायर फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए एस होना चाहिए। आपने पिक किया यहां से एल एच एस, एल एच एस क्या है बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, बी का डी एफ एल वन टी माइनस वन इसका स्क्वायर कर दो, माइनस एल वन टी माइनस वन इसका क्या कर दो स्क्वायर कर दो। तो यहां पे अपने पास क्या आएगा एल टू टी माइनस टू, एल टू टी माइनस टू दोनों टर्म सेम है, एल माइनस एल भी क्या होते हैं बच्चे एल, सो आप कहेंगे एल टू टी माइनस टू, एल एच एस आ गया। अब किसको पिक करना है आर एच एस, सो बच्चे आर एच एस क्या है टू एस, बात समझ आ रही है। टू ए एस को आपने सोल्व किया, टू है न्यूमेरिकल फैक्टर मैथमेटिकल वर्ड है तो इसका कोई डियर नहीं होगा। एक्सलेशन एल वन टी माइनस टू, एस का क्या हो गया एल वन, सो आपको क्या मिला एल टू टी माइनस टू। अब बेटे देखो ये हो गया आर एच एस, एल एच एस आर एच एस बोथ आर सेम, एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, हेंस द गिवन फॉर्मूला इज करेक्ट, क्लियर। तो बच्चों बस आपको ये ध्यान रखना है एल प्लस एल क्या होता है एल, एल माइनस एल भी क्या होता है एल, क्लियर। सो नंबर फोर पे हम बात करते हैं जो आपने ग्रेविटेशन में पढ़ा हुआ है, नंबर फोर बेटे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट एम वन एम टू और अपॉन क्या होगा आर स्क्वायर, देखा ना भाई एफ इज इक्वल टू जी एम वन एम टू अपॉन क्या था आर स्क्वायर, क्लियर। तो प्यारे बच्चों एल एच एस आपका क्या है, एल एच एस आपका है एफ और फोर्स का डीएफ क्या होता है एम वन एल वन टी माइनस टू, प्यारे बच्चों यही होता है। अब आप लेके चलो आर एच एस, आर एच एस जी एम वन एम टू बाय आर स्क्वायर, ठीक है। सो प्यारे बच्चों जी का डीएफ क्या था एम माइनस वन, एल थ्री टी माइनस टू, यही था भाई। इसका क्या हो जाएगा एम वन, इसका भी क्या हो जाएगा एम वन डिवाइड किससे कर दे एल टू से, प्यारे बच्चों क्लियर। सो प्यारे बच्चों ये देखो माइनस का ये प्लस का ये कैंसिल आउट हुआ, दो यहां से कैंसिल आउट हो गए तो आपके पास क्या बचा एम वन एल वन, ठीक है भाई एक यहां बचा हुआ है ना और टी माइनस। अब आप देखो आपका लेफ्ट हैंड साइड और आपका राइट हैंड साइड बोथ आर सेम, हेंस द गिवन फॉर्मूला इज करेक्ट, ठीक है। सो एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। सो प्यारे बच्चों ये आप डायमेंशन फॉर्मूले की हेल्प से कोई भी फॉर्मूला राइट या रॉन्ग है ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्लियर। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट अपना फॉर्मूला बनेगा फाइव, आपको शो कंसिस्टेंसी चेक करना है ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर। भाई ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर आइंस्टीन का काफी फेमस फॉर्मूला है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से ये कनेक्ट है, ठीक है। सो बेटे ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर आपको प्रूव करना है कि राइट है या फिर रॉन्ग है। आपने सबसे पहले पिक किया लेफ्ट हैंड साइड, एल एच एस में आपके पास क्या है ई, तो बेटे ई क्या है एनर्जी, सिंबल आपको ध्यान रखना है भाई, जो भी सिंबल है जो अभी आपको बताए जा रहे हैं सारे सिंबल आपको माइंड में रखने हैं।
ई एनर्जी, एनर्जी का डीएफ क्या होता है बच्चे, एम वन एल टू टी माइनस टू। सो बच्चे आप देख रहे हैं ना डीएफ कितनी इंपोर्टेंट है, जब तक डीएफ लर्न नहीं होंगे बात नहीं बनेगी, क्लियर। एम वन एल टू टी माइनस टू, अब आपने पिक किया आर एच एस एम सी स्क्वायर, एम का तो एम हो गया भाई, सी क्या है स्पीड ऑफ लाइट, मीन स्पीड का निकालना है, और प्यारे में तो स्पीड का डीएफ क्या है एल वन टी माइनस वन, और उसका क्या करना है स्क्वायर। सो इसको आपने सोल्व किया तो क्या बना एम वन एल वन का एल टू। अब आप ये मत कर देना कि पावर माइनस वन का स्क्वायर करोगे प्लस का हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है भाई, ठीक है, और डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा। आप देखें कि एल एच एस आपका किसके बराबर है आर एच एस, सो गिवन फॉर्मूला इज करेक्ट, क्लियर। तो प्यारे तो नेक्स्ट अपना है सिक्स, देखो सिक्स में ये अपने ई इक्वल टू एच न्यू, देखो प्यारे बच्चों ई एनर्जी है, एच प्लैंक्स का कांस्टेंट है, न्यू फ्रीक्वेंसी है। प्लैंक्स ने कहा था एनर्जी जो होता है ना वो किसके बराबर होता है एच न्यू के बराबर होता है। आइंस्टीन ने कहा था एनर्जी किसके बराबर होता है एम सी स्क्वायर के बराबर, दोनों के कंसेप्ट डिफरेंट थे, ठीक है, ये क्वांटम ये क्लासिकल, बात समझ आ रही है। तो प्यारे बच्चों आपने सबसे पहले पिक किया एलएचएस, एलएचएस में क्या है ई, ई मीन्स एनर्जी, सो एनर्जी का डीएफ क्या होगा बच्चों एम वन एल टू टी माइनस टू होगा, ठीक है। सो प्यारे बच्चों आरएचएस आपके पास क्या है एच न्यू, प्लैंक्स कांस्टेंट, एनर्जी टू टाइम था भाई, प्लैंक्स कांस्टेंट का क्या आएगा एम वन एल टू टी माइनस वन, फ्रीक्वेंसी का क्या है वन अपॉन टी। अब देखो बेटे ये माइनस का वन है ये प्लस का है तो ये कैंसिल आउट तो नहीं हो सकते, सो ये आपको आर्डर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, सो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको एम वन एल टू और टी माइनस टू, इट मीन्स आपका लेफ्ट हैंड साइड इसके इक्वल है राइट हैंड साइड, सही चल रहा है भाई, ठीक है। सो बच्चे आप देख रहे हैं कि डायमेंशनल फॉर्मूले हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है, क्लियर। सो प्यारे बच्चों नेक्स्ट हम बात करते हैं ई का कंसेप्ट हो गया बेटे, एक होता है पी, प्रेशर आपका होता है एच